नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में पहले चरण का चुनाव अब कुछ ही दिनों बाद होने वाला है, यानी कि इसी महीने की 28 तारीख को बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार के 3 नक्सल प्रभावित जिले हैं, जिनमें मुंगेर, जमुई और लखीसराय शामिल है। इन जिलों के भी कई विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने आगे आकर कमान संभाल ली है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्देश दिया गया था कि नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग का समय अन्य जगहों के अलावे 1 घंटे कम रहेगा, यानी कि सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही इन नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग होगी। लेकिन मनु महाराज ने अब कमान संभाल ली है, खुद राइफल लेकर निकल पड़े हैं नक्सलियों की खोज में और इलाके को शांत करने के लिए और कोशिश करने के लिए कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इन इलाकों में वोटिंग हो। आप तस्वीरों में देखें, मनु महाराज पूरी अपनी टीम के साथ निकल पड़े हैं राइफल लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण को लेकर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान 3 नक्सल प्रभावित जिले मुंगेर, जमुई एवं लखीसराय में भी वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस इलाके के डीआईजी मनु महाराज नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए खुद ही राइफल उठाकर गश्ती पर निकले हैं। डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि जिला पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान में कई हार्डकोर नक्सल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिससे नक्सली फिलहाल बैकफुट पर चले गए हैं। गोरिल्ला युद्ध में माहिर नक्सलियों को रोके रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। मुंगेर रेंज के अंदर आने वाले 3 नक्सल प्रभावित जिलों में 1402 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 291 नक्सल प्रभावित बूथ हैं। जमुई जिला में 586 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जबकि लखीसराय जिले में 291 बूथ नक्सल प्रभावित इलाके में है। डीआईजी ने बताया कि नक्सल प्रभावित बूथों के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी मंगाई गई है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मुंगेर के गंगटा में नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे, जिसको लेकर पुलिस काफी सतर्क होकर काम कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों को बूथों तक पहुंचाना और वोट प्रतिशत को बढ़ाना है, और साथ ही साथ लोगों की जो सुरक्षा है वो भी बड़ी जिम्मेदारी है। डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से जनसंपर्क बढ़ाया जा रहा है, उनमें मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने का भी काम किया जा रहा है, ताकि मतदान के दिन बिना किसी डर के मतदान केंद्रों तक पहुंचकर लोग वोट डाल सके। तो बिहार के 3 नक्सल प्रभावित जिले मुंगेर, लखीसराय और जमुई, वहां भी वोटिंग होनी है। मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, खुद ही गश्ती कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि उनकी सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है और वे बेफिक्र होकर वोट देने जाएं। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।